इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पार्ट टू लेक्चर वन। फिगर 15.5 शोज टू क्वाइल्स प्लेस साइड बाय साइड। द क्वाइल पी इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ बैटरी, अ रियोस्टेट एंड अ स्विच। बैटरी है, स्विच है और रियोस्टेट है प्राइमरी क्वाइल में। वाइल द अदर क्वाइल एस इज कनेक्टेड टू अ गैल्वेनोमीटर ओनली। और इस क्वाइल में हमारे पास सिर्फ गैल्वेनोमीटर है। सिंस देयर इज अ नो बैटरी इन द क्वाइल एस, वेन माइट एक्सपेक्ट दैट द करंट थ्रू इट विल ऑलवेज बी ज़ीरो। तो इसमें हम समझते हैं कि करंट हमेशा ज़ीरो होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। नाउ इफ द स्विच एस ऑफ द क्वाइल पी इज सडनली क्लोज्ड, अ मोमेंटरी करंट इज इंड्यूस्ड इन क्वाइल एस। जैसे ही हम स्विच को क्लोज करते हैं तो ये क्वाइल एस में हमारे पास करंट इंड्यूस होता है। दिस इज शोन बाय द डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर। दिस इज इंडिकेटेड बाय द गैल्वेनोमीटर विच सडनली डिफ्लेक्ट्स एंड देन रिटर्न टू ज़ीरो। नो इंड्यूस्ड करंट एग्जिस्ट इन क्वाइल एस एज लॉन्ग एज द करंट फ्लो स्टेडीली इन द क्वाइल पी। एंड ऑपोजिटली डायरेक्टेड करंट इज इंड्यूस्ड इन द क्वाइल एस एट द इंस्टेंट द स्विच ऑफ क्वाइल पी इज ओपन। जब हम स्विच को ओपन करेंगे तो फिर इस क्वाइल में करंट इंड्यूस होगा और गैल्वेनोमीटर की जो निडल है उसकी डायरेक्शन पहले अगर इस साइड पे थी तो फिर रिफ्लेक्शन की डायरेक्शन ये हो जाएगी। तो ओपोजिट डायरेक्शन में फिर करंट इंड्यूस होगा जब हम स्विच को ओपन कर देंगे। एक्चुअली द करंट इन पी ग्रोज फ्रॉम ज़ीरो टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू जस्ट आफ्टर द स्विच इज क्लोज। द करंट कम्स जस्ट आफ्टर द स्विच इज क्लोज। द करंट कम्स डाउन टू ज़ीरो वैन द स्विच इज ओपन। ड्यू टू चेंज इन करंट द मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द क्वाइल पी चेंजेस मोमेंटरली। दिस चेंजिंग फ्लक्स इज आल्सो लिंक्ड विद द क्वाइल एस दैट कॉजेज द इंड्यूस्ड करंट इन द क्वाइल। करंट इन क्वाइल पी कैन आल्सो बी चेंज विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट। अब इसमें जैसे ही हम स्विच क्लोज करते हैं तो इसमें करंट ज़ीरो टू मैक्सिमम हो जाता है। जब करंट ज़ीरो से मैक्सिमम वैल्यू पे आता है तो करंट चेंज हो रहा होता है। जब करंट चेंज हो रहा होता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज हो रहा होता है। इसका चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल एस को कट करता है तो इसका भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। इस चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है और करंट इंड्यूस्ड होता है और गैल्वेनोमीटर की जो निडल है वो राइट साइड पे डिफ्लेक्शन शो कर रही है। जैसे ही हम स्विच को ओपन कर देंगे तो पी कॉइल में करंट मैक्सिमम से ज़ीरो होगा। करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इस कॉइल का भी फ्लक्स चेंज होगा। तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी, करंट इंड्यूस होगा। तो फिर गैल्वेनोमीटर की जो निडल है वो लेफ्ट साइड पे रिफ्लेक्शन शो करेगी। तो पहले जो करंट ज़ीरो टू मैक्सिमम हुआ था तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन चेंज थी, और जब करंट मैक्सिमम टू ज़ीरो होगा तो ये इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा। और इसको हम म्यूचुअल इंडक्शन भी कहते हैं। इट इज़ आल्सो पॉसिबल टू लिंक द चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स विद द क्वाइल बाय यूजिंग अ इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये भी हो सकता है कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ करें तो तब भी हमारे पास क्या होगा,
ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगी, करंट इंड्यूस हो जाएगा इंस्टेड ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट. द कॉइल इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट. बोथ द कॉइल एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेट आर स्टेशनरी. तो इस मेथड में क्या होगा, हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट भी स्टेशनरी होगा, कॉइल भी हमारे पास स्टेशनरी होगी. क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट का जब करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा. मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी और कॉइल में करंट इंड्यूस हो जाएगा. द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल इज चेंज बाय चेंजिंग द करंट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट, थस प्रोड्यूसिंग द इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल. तो इसी कॉइल में करंट जो है वो उस कॉइल में इंड्यूस हो जाएगा. ये डिफरेंट मेथड थे जो हमने डिस्कस किए जिससे हम ईएमएफ इंड्यूस करवा सकते हैं, करंट इंड्यूस करवा सकते हैं. अब हम डिस्कस करेंगे मोशनल ईएमएफ. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे. द ईएमएफ इंड्यूस्ड बाय द मोशन ऑफ ए कंडक्टर अक्रॉस अ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ. कि जब ईएमएफ हमारे पास इंड्यूस हो, जब हम कंडक्टर को मूव करवाएं अक्रॉस अ मैग्नेटिक फील्ड, तो उस ईएमएफ को, उस पर्टिकुलर ईएमएफ को हम कहेंगे मोशनल ईएमएफ. तो उसमें हमारे पास अभी जो हमने मेथड डिस्कस किए इसमें ये देखें कि ये कॉइल है, ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास, ये मैग्नेट है, ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेट हमारे पास स्टेशनरी है, कॉइल को हम फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव करवा रहे हैं. तो ये ईएमएफ भी क्या है, मोशनल ईएमएफ है. तो ये मेथड हमने डिस्कस किया था, एक बार मैग्नेट है और एक कॉइल है हमारे पास. इसमें अगर हम कॉइल को फॉरवर्ड बैकवर्ड मूव करवाएंगे तो इससे क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी. तो ये भी क्या होगी, मोशनल ईएमएफ जब ये कॉइल मूव करेगी. इस मेथड में ये देखें कि हम ये कॉइल की जो पोजीशन है उसको चेंज कर रहे हैं, उसे बैंड की तरह स्ट्रेच और रिलैक्स कर रहे हैं. तो इसमें भी क्या है कि हमारे पास ये कंडक्टर मूव कर रहा है, तो ये भी मोशनल ईएमएफ है. और इसमें हमारे पास कॉइल जो है एक एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये भी हमारे पास मोशनल ईएमएफ है. तो ये सारी हमारे पास क्या थी, मोशनल ईएमएफ की. और ये हमारे पास इसमें कंडक्टर मूव नहीं कर रहा, तो ये मोशनल ईएमएफ नहीं है.